नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में आएगा नए खेल नीति का प्रस्ताव। नीति में खेल विज्ञान केंद्र और खेल विकास निधि का प्रावधान। सीएम ने दिए निर्देश। कांग्रेस का राजभर में सत्याग्रह। हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सत्याग्रह। महात्मा गांधी और अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। लालकुआ में लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने की लोगों से अपील, कहा कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन। स्कूल कॉलेज खोलने को भी कही बात। सितारगंज बिजली विभाग की मनमानी। लोगों के घर बढ़ा कर आ रहे बिजली के बिल। लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जलाए बिल। नैनीताल में डॉक्टरों ने महिला को दिया नया जीवन। ऑपरेशन पर पेट से निकाला 5.5 किलो का ओवेरियन ट्यूमर। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन ने पकड़ी रफ्तार। 4 दिनों में पहुंचे 20,000 पर्यटक। गंगा में राफ्टिंग कारोबार में इजाफा हुआ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अपने 4 दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद के भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिले की सीमा पर स्थित कोटमानिया में स्थित जिला सहकारी बैंक की शाखा का निरीक्षण किया और बैंक द्वारा आधे दर्जन काश्तकारों को लाखों का चेक वितरण किया गया, जिसके बाद उन्होंने काश्तकारों की समस्याओं को सुना और बैंक के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। सहकारिता मंत्री जिले चारों विधानसभा में स्थित महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर दी है। क्योंकि पीआईएल में आज राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि सभी अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उन्हें कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें निर्देशित किया कि 3 हफ्ते के अंदर सभी के प्रमाण पत्रों की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अगली सुनवाई 2 नवम्बर को नियत की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए। प्रदेश सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 3 सप्ताह में कराकर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। पिछली तिथि को कोर्ट ने जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच करने के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा था। राज्य सरकार की तरफ से संबंध में शपथ पत्र पेश करके कहा था कि सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने हेतु 1.5 साल का समय लग सकता है, परंतु कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सप्ताह के भीतर जांच कराने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 नवंबर की तिथि नियत की है। सिविक अमेनिटीज़ को बढ़ाने का कर रहे हैं, जैसे हमारे जनपद में 12 हाईटेक टॉयलेट्स स्वीकृत हुए थे टूरिज्म डिपार्टमेंट से, वो सिर्फ अभी हमारे जनपद नैनीताल के लिए स्वीकृत हुए हैं पूरे राज्य में। उसमें से एक टॉयलेट मेट्रोपोल में भी गतिमान है, उसका का कार्य भी शुरू हो चुका है और एक आप लोगों ने अभी मॉल रोड पे स्पॉट किया होगा, वो भी बन रहा है। नैनीताल जिलाधिकारी सवीन बंसल ने पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में मास्टर प्लान के अंतर्गत भारत सरकार को 12 शौचालयों का प्रस्ताव भेजा था। शासन द्वारा 12 शौचालय निर्माण के लिए 4,05,33,000 धनराशि स्वीकृति करके अवमुक्त की गई थी। हाईटेक शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत नैनीताल शहर में इंडिया होटल के पास मेट्रोपोल
कंपाउंड रूसी बाईपास खैरना व मुक्तेश्वर में शौचालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है जो दीपावली तक बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रयासों से हाईटेक शौचालय से जहां स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा वहीं जनपद में आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो पहली शर्त है और हम लोगों को बच के रहना है। अभी हम लापरवाह हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज ही देखिए उत्तराखंड में पुनः 1400 केस आ गए हैं। हम बिल्कुल खुल गए हैं, पता नहीं हम में से कितने लोगों को कोरोना है, कितने लोग कैरियर हैं, हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए अपना बचाव करना है और बिना मास्क के बिना हाथ धोए नहीं रहना है, ये इसके बिना। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लापरवाही। कार्यदाय संस्था की आए दिन कंपनी ब्लास्टिंग कर पहाड़ों को धराशायी किया जा रहा है। कई गलतियां होने के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। कई गलतियां होने के बाद भी अधिकारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चौड़ीकरण का मलबा यमुना नदी में गिराया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मामले में झाड़ रहे हैं पल्ला। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लापरवाही। आए दिन कंपनी ब्लास्टिंग कर पहाड़ों को कर रही है धराशायी। कई गलतियां होने के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में किसानों को और आम जनता से बिजली के बिलों में हो रही वृद्धि के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर बिजली के बिलों को जलाकर अपना आक्रोश जताया गया है। साथ ही साथ इस दौरान कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही गई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि विगत सितारगंज और जल शक्ति फार्म बिजली के बिलों में बेहताशा वृद्धि की जा रही है। जिनका 100 से 200 महीने का बिल आ रहा था वो अब बढ़कर हजारों में पहुंच चुका है। सरकार ने किसानों के दिल जलाए इसलिए बिल जलाए, ठीक है। जो जिसका 200 रुपये का बिल आता था 40,000 का, उसका बिल आ रहा है बिजली का, है ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यह छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी एक षड्यंत्र के तहत जो है ये वसूली में लग गया है कि बिल कम करा देंगे, ये है वो। और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं यहाँ जो बिल देती हैं वो घर घर जाके रिश्वत मांगते हैं लोगों से कि आपका इतना बिल आ गया हम कम करा देंगे। और शक्ति फार्म में तो ज्यादा ही लूट भर मचा रखी है। भाजपा नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में नगर आवारा पशुओं पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया है, जिसमें नगर पालिका ने क्षेत्र में प्रचार कराकर लोगों से उनके पालतू पशुओं को अपने पास रखने की बात कही। आपको बताते चले भाजपुर क्षेत्र में आवारा सांड और पालतू जानवर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिससे घर में निकलने वाले लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवारा पशुओं को नगर में घूमने से रोकने और लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया है। उससे पहले मेरे पास हमारे नामी सभासद आए, मैं पहले इनको बधाई देता हूँ। हमारे पास हमारे पूर्व सभासद भी रहे हैं, हमारे वीर सोता जी और विमल शर्मा जी। हाँ, जो हमने साण पे कल बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड में हमारे सभी सभासदों ने और हमने मिलकर ये चीज़ पास की, जो नगरीय क्षेत्र में साण या गाय जो जिसका कोई मालिक नहीं है,
ऋषिकेश के विधानसभा अध्यक्ष ने 11.5 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्रिवेणी घाट और आस्था पथ को नए स्वरूप में लाने के लिए शिलान्यास किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लगभग 11.5 करोड़ रुपए से त्रिवेणी घाट और आस्था पथ पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे ये ऋषिकेश अन्य प्रदेशों से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेगा। वहीं उस योजना को 15 दिसंबर तक धरातल पर उतार दिया जाएगा, जिसका समय समय पर स्वयं कार्य की गुणवत्ता को परखने के लिए निरीक्षण किया जाएगा। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा बीच बीच में, जो कि आप जानते हैं कि मैं गुणवत्ता पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहता हूँ। बीच बीच में मैं खुद देखता हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे पत्रकार के साथ साथ हमारे स्थानीय नागरिक भी हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी इस प्रकार की कोई कोई दिक्कत आए आप स्वयं भी सक्षम है और मुझे भी आप बता सकते हैं, अधिकारियों से भी आप कह सकते हैं, गुणवत्ता परख ये काम होगा ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर आज डोईवाला में हवन पूजन करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोईवाला के गन्ना सहकारी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए बाबा की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी। कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने बाबा जी को याद करते हुए किसानों के हित में उनके संघर्ष को याद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम किसानों ने भाकियों के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि आज डोईवाला के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कराने यूनियन ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इसके कारण आज सभी किसानों का पूरा भुगतान हो पाया है। संघर्ष ये रंग ला रहा है, किसानों को जो जगाया है, किसानों को अपने मांग के लिए जो जगाया है वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जगाया था। आज उन्हीं के उसमें हमने यहाँ पे हवन और ये प्रोग्राम किया है श्रद्धांजलि का बाबा जी की यादों में। जो भी है बाबा जी के ही जन दौलत हुआ है। नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारी डीआईजी के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन सत्य चला रहे हैं। आपको बताते चले इसके माध्यम से नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं क्षेत्र में नशे के मामलों को उजागर करके पुलिस को जानकारी देने की अपील की जा रही है। डोईवाला के कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि अक्टूबर माह से पुलिस के अधिकारी डोईवाला के सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और दूसरे उससे दूर रहने के उपाय बताकर लोगों से अपील भी करेंगे। नशे को लेकर जो है युवा वर्ग जो है वो काफी प्रभावित है, तो हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं, इससे रिलेटेड हैं या वो देखा जा रहा है कि वो नशे के आदि हो चुके हैं, तो उनको हम ग्रीटिंग कर रहे हैं, उनके फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड में रानीखेत के मासूम ग्रामीण 65 सालों से अलग झूले की मांग को लेकर के ठगे गए हैं। अल्मोड़ा झूले से हटाकर रानीखेत को अलग झूला बनाओ की मांग को लेकर रानीखेत जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 8 जनवरी 2011 को एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान संगठन, व्यापार मंडल व विभिन्न संगठनों ने भागीदारी की थी। स्थानीय एडवोकेट प्रमोद पांडे के नेतृत्व में हुए आंदोलन 14 अगस्त 2011 तक चला। उसी साल 15 अगस्त को तत्कालीन सीएम रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रानीखेत को जिला घोषित कर दिया गया। इसके बाद आंदोलन की समिति को समाप्त कर दिया गया। शहर में मिठाई बांटी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम पद छोड़ना पड़ा और उनके स्थान पर सेवानिवृत्त में जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब से आज तक रानीखेत जिले की मांग दोबारा शुरू हो गई है। सभी संगठनों को साथ लेकर के दोबारा जिले की मांग की जाएगी। जिले के लिए आंदोलन 1955 से लगातार चलते आ रहा था, लेकिन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। वो हमने 2011 जनवरी में इसको इस प्रकार से चलाया कि हमने कहा जब तक अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आएगा
हम इसको चलाते रहेंगे। और 8 महीने से चलाते रहे, 15 अगस्त 2011 को माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी ने घोषणा कर दी, तभी हमने ये आंदोलन अपना समाप्त किया। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमने विभिन्न संगठनों का सहायता ली। राजकीय चिकित्सालय बीडी पांडे में डॉक्टरों ने महिला के पेट से 550 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाल करके बड़ी उपलब्धि हासिल करी। आज डॉक्टरों ने बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती एक महिला के पेट से ऑपरेशन करके 550 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला। वहीं पीएमएस डॉक्टर के एजहामी ने बताया कि बीते 2 हफ्ते पहले रामगढ़ संतभूंगा निवासी महिला पेट के दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी, जिसके बाद मरीज की कई टेस्ट की जांच करवाए गए। डॉक्टरों ने आपस में विचार करने के बाद महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में पेट से 550 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला गया। गई होगी तो सबने मना कर दिया, पैसे बहुत ज्यादा बोले होंगे, जो भी होगा गरीब लेडी है और घर के पास रहता वो मेरे पास आई लोग। फिर हम लोगों ने किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सुभाष लामा जी बिजली कर्मचारियों को, जो कि बिजली विभाग के कई बड़े संगठनों के भारतवर्ष लेवल के पदाधिकारी हैं, वो उनके उसमें आंदोलन में आए थे शिरकत करने। चूँकि वो हमारे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन साहब हैं, तो हमने उनको अपने राज्य कर्मचारी महासंघ कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बीच मार्गदर्शन के लिए आज बुलाया है। कोविड 19 की छूट मिलने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा परवान चढ़ने लगी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन में व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रही। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में यात्रा चढ़ने लगी परवान। छूट मिलने के बाद लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बड़ी आमद। मंदिर प्रांगण में उमड़ रहे श्रद्धालु। सामाजिक दूरी का नहीं किया जा रहा पालन। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु परेशान, नहीं खुली दुकानें। कोरोना महामारी के चलते चारों धाम की यात्रा पर बुरा असर पड़ा, जिससे धामों में यात्रियों की संख्या भी काफी कम रही है। मगर अब सरकार की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन में छूट मिलते ही यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार के 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने के बाद यात्रा रूटों पर यात्रियों की आमद बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में बुकिंग 1 सप्ताह तक फुल हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने धामों में दर्शन का समय दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर देखने को मिल रहा था। यात्रा मार्गों पर सन्नाटा छाया रहता था, मगर 2-3 दिनों से यात्रा में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारियां भी ऐसे में बढ़ गई हैं। केदार घाटी के गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड में यात्रियों की चहलकदमी से रौनक लौट आई है। इससे व्यापारियों का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में कोरोना महामारी का भय भी बना हुआ है। केदारनाथ के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि शासन प्रशासन ने जो है यात्रा खोल दी है, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है कि सोशल डिस्टेंस का कोई वो नहीं है, जिससे कि ये महामारी फैल सकती है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जो भी लोग यात्रा में आ रहे हैं, इसलिए केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ में आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा नहीं तो ये महामारी जो है फैल सकती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डेमरी की रिपोर्ट।
अनलॉक 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार हो चुके हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। सरोवर नगरी नैनीताल की फिर लौटी बहार, शहर में पर्यटकों की दिखी अच्छी खासी आमद। उमड़े पर्यटक तो खिले कारोबारियों के चेहरे, वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का पर्यटक उठा रहे लुफ्त। अनलॉक 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार होने लगे हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक सरोवर में वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के लुत्फ उठाने, साथ ही दिलकश सुंदर नजारों और प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे पूरी सावधानी बरतते हुए 6 महीने बाद घूमने निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग काफी टाइम बाद आए हैं लॉकडाउन के बाद, तो बहुत मजा आ रहा है। काफी अच्छा मौसम है, हम लोग गुड़गांव से आए हैं, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल व्यू हियर, वी आर एंजॉयिंग। हम लोग कोविड से काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बट अच्छा है। हम पिछले 6-7 महीनों से घर में काफी बोर हो रहे थे और इतने टाइम बाद निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं और सारी प्रिकॉशंस के साथ सैनिटाइजर मास्क यहाँ पे सभी लोग ये सब यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा है। कोरोना का खतरा तो है पर अपनी प्रिकॉशंस के साथ हम इस खतरे से डील कर पा रहे हैं। सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। बता दें, अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है। शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पर्यटन कारोबारियों समेत तमाम छोटे काम काज में लगे लोग खासे उत्साहित हैं। शहर में पर्यटकों की अच्छी खासी आमद रही। मल्लीताल पंत पार्क, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, स्वेन्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, वाटरफॉल में भारी संख्या में पर्यटक सैर सपाटा करने पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने नैनी झील में जमकर नौकायान भी किया। बड़ी संख्या में पर्यटक घुड़सवारी करने पहुंचे। कामकाज वापस पटरी में लौटने से कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटने लगी है। सुनसान पड़ी सड़कों में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच रहे पर्यटकों की मुसीबतें यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों से पूरी तरह से पैक हो गई है। माल रोड समेत अन्य सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस को भी खासा पसीना बहाना पड़ा। बहरहाल, अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है और कारोबारियों में भी खुशी नजर आ रही है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, भागीरथी नदी में डंपर गिरने से हादसा हुआ है। मनीष बिष्ट के रूप में हुई मृतक की पहचान। गंगोत्री राजमार्ग की घटना, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, भागीरथी नदी में डंपर गिरने से हादसा हुआ। मनीष बिष्ट के रूप में हुई मृतक की पहचान। गंगोत्री राजमार्ग की घटना, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत,
बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलकर